सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता थोड़ा पंजाबी खबरों के इस ताज़ा बुलेटिन के। अफगानिस्तान तो खबर आ रही है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दे विच स्कूल नेड़े धमाका होया, 25 विद्यार्थियों की मौत हुई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल च एक बार फिर धमाके नाल दहल गई है। सूत्रों ने दसिया कि राजधानी काबुल के पछमी हिस्से विच एक स्कूल नेड़े 3 जबरदस्त धमाके हुए। दसिया जा रहा है कि पहला धमाका मुमताज़ एजुकेशन सेंटर नेड़े होया, जबकि दूजा अब्दुल रहीम शहीद हाई स्कूल के नेड़े होया। 25 विद्यार्थियों की मौत होने की खबर जी मंदभागी खबर प्राप्त हो रही है। 10वीं पास बेरोजगारों लिए सुनहरी मौका है। SSC ने केंद्रीय मंत्रालय के विभागों च हज़ारा नौकरियां कड़ियां, 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो। SSC रिक्रूटमेंट 10वीं पास लिए सरकार नौकरी दे सब तो चंगे बदलाव चो एक है। कर्मचारी चोण कमीशन वालों हर साल कार्रवाई जाने वाली मल्टीटास्किंग स्टाफ प्रीख्या, इस प्रीख्या राही केंद्र सरकार के वक् वक् मंत्रालयों ते उन्हां दे विभागों के देश भर के विच स्थित दफ्तर च MTS दी आसामियां लई योग उम्मीदवारां दी चोण कीती जांदी है। 30 अप्रैल आखिरी मिति है। हज़ारां आसामियां निकलियां, जाके SSC की वैबसाइट उत्ते चैक कर सकदे हो। पंजाब च फिर लगेगा लॉकडाउन। कोविड रिव्यू मीटिंग च सरकार ने वड्डा फैसला लिया, वड्डा सवाल बनता है लॉकडाउन ते पंजाब समेत देश भर च कोरोना के मुड़ वधदे केसां नूं देखदे आ। पंजाब सरकार की कोविड रिव्यू मीटिंग समाप्त हो गई। इस मीटिंग दौरान पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला ने कहा कि अज की मीटिंग कोविड बारे से। उन्होंने कहा कि पंजाब विच कोरोना के अजे बहुत केस हैं, सिर्फ 0.5% एक्टिव केस हैं, इसलिए अज की मीटिंग विच कोई भी नवी पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो नाल नाल विजय सिंगला ने कहा कि मोहाली विच जो मेडिकल कॉलेज बन रहा, उस विच थां घट होने कारण विद्यार्थियों के डॉक्टर ने कहा सी कि इस नूं अजे थां बनाया जाए जिथे ज़्यादा थां होवे, जिस कारण असी सरकार नाल गलबात कीती है। इस बारे हो सकदा वड्डा फैसला लिया जा सके। तो पंजाब दे विच फिलहाल कोई भी जिहड़ियां हन पाबंदियां फिलहाल नहीं लगाईआं गईआं। भगवंत मान दा एक होर वड्डा कदम, किसी घर के गलत बिजली बिल लई अधिकारी खुद जिम्मेवार होणगे। पंजाब सरकार का वड्डा फैसला, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक होर वड्डा फैसला चुकिया। हर घर नूं प्रति महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हदायतां जारी कीतीआं कि जेकर किसी के घर का बिल गलत आउंदा है तां उस खेत्र का अधिकारी निजी तौर पर जिम्मेवार होगा। इस दे नाल ही यह भी कहा कि हर घर का पूरा मीटर लगाया जाएगा और समय सिर सही बिल दिता जाएगा। मुख्यमंत्री दफ्तर वालों जारी पत्र तो बाद डायरैक्टर वंड ने सारे मुख्य इंजीनियरों को पत्र जारी किए। इस पत्र विच कहा है कि हर मीटर की रीडिंग और बिलिंग यकीनी बनाया जाए तो किसी को भी महंगी या गलत बिल ना भरया जाए, सही बिल जिहड़ा हर घर दे विच जाना चाहिए। पिछली कांग्रेस सरकार का एक होर वड्डा फैसला बदलन जा रही, आप सरकार CM भगवंत मान नूं प्रस्ताव भेजा गया। आम आदमी पार्टी सरकार पिछली कांग्रेस सरकार का एक होर वड्डा फैसला बदलन जा रही है। आप सरकार मोहाली के मैडिकल कॉलेज में कित होर तब्दील करने की तैयारियां कर रही है, जिमें कि तुहानूं आपां पहलां दस्सिया। अहम गल यह है कि मोहाली के 6 फेज विचले सरकारी हस्पताल च मैडिकल कॉलेज बनाउण की प्रक्रिया चल रही सी। होर तां होर बहुत सारा बुनियादी ढांचा तैयार भी हो चुका सी, पर हुण पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पिछली सरकार के इस फैसले को बदलन जा रही है। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला अनुसार असी मैडिकल कॉलेज में इस थां तो किसी होर थां तब्दील करने प्रस्ताव भेजे, इस बारे फैसला होगा उस मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जगह घट है, बैडा की समर्था घट है, या इस तरह के जोड़े है सवाल जोड़े खड़े हुए सन, जिस तो बाद फैसला लिया गया है। सिद्धू दी मीटिंगां ते राजा वडिंग दा वड्डा बयान आया, पार्टी लाइन तो हट के चीज़ां बर्दाश्त नहीं होणगीआं। सूबे दे साबका कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दी मीटिंगां ते सूबा प्रधान राजा वडिंग दा वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जे पार्टी दी मजबूती लई मीटिंगां तां कोई दिक्कत नहीं है, पर पैरलल सिस्टम खड़ा करन दी कोशिशां ना होण, पार्टी लाइन तो हट के चीज़ां बर्दाश्त नहीं होणगीआं। दस दईए कि सिद्धू पिछले कुछ समय तो लगातार कांग्रेस आगूआं नाल वख-वख थावां ते जाके मीटिंग कर रहे हैं। राजा वडिंग दीआं पार्टी आगूआं नाल मुलाकातां जारी है। लुधियाणा च सुरिंदर डावर दे घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपसी गुटबाजी कारण कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस नूं जल्द एकजुट किया जाएगा। सिद्धू वल्लों कीतीआं जा रहीआं वख्खरीआं मीटिंगां ते वडिंग ने कहा कि इस विच कुछ भी गलत नहीं है, पर किसी लीडर जां पार्टी खिलाफ बोलना गलत है, पैरलल सिस्टम चलाउणा गलत है। हरियाणा च आप सरकार बनन ते हर पिंड च पहुंचेगा SYL दा पाणी, राज्यसभा मैंबर सुशील गुप्ता दा बयान आया।
सतलुज जमुना लिंक नहर ते आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर सुशील गुप्ता का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने हरियाणा के लोगों को SVIL की गरंटी दी है। सुशील गुप्ता ने कहा कि आप सरकार बनते हरियाणा को SVIL का पानी मिलेगा। इन्ना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि हर पिंड च SVIL नहर का पानी पहुँचेगा तो सूबे के हर खेत में पानी मिलेगा। गुप्ता ने कहा कि कोई भी पार्टी SVIL का हल ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि इसका हल भी आम आदमी पार्टी करेगी। पंजाब की भी निगाह हुण SVIL ते है। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी अगे लिया है। जेकर इस तरह का फैसला आता है तो आम आदमी पार्टी का दौर भी खतरे के पंजाब दे विच आ सकता है। पंजाब च बिजली संकट का खतरा झोने के सीजन तो पहला ही CM भगवंत मान लिए वड्डी चुनौती है। झोने के सीजन तो पहला ही पंजाब विच बिजली संकट पैदा होने की संभावना बन गई है। इसका कारण थर्मल प्लांटा कोले का संकट, इस करके लंबे लंबे कट लग रहे हैं। उंज पूरे भारत अंदर ही कोले की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिस करके कई सूबों को मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। हासिल जानकारी मुताबिक पंजाब के गोइंदवाल साहिब थर्मल प्लांट में कोला खत्म हो गया है। उत्थे बिजली उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट कोल भी सिर्फ 4 दिन का कोला बचा। दूजे पासे लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट में 7 दिन, रोपड़ थर्मल प्लांट में 11 दिन, राजपुरा के 21 दिन का कोला बचा। पंजाब दे विच लगातार घट ते घट लगते नज़र आ रहे हैं। घर जां जमीन वेचण लई नवीं शर्त है, इस तो बिना नहीं बेच सकोगे जायदाद। वड्डी खबर मिल रही है। वीडियो नूं लाइक शेयर चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि महत्वपूर्ण खबरें तुहानूं इस चैनल उत्ते मिलदियां रहणगियां। पठानकोट दे विच बिजली विभाग वल्लों तहसीलदार नूं पत्र लिख के नवा हुकम जारी किया। तहसीलदार मुताबक हुण हर घर जां जमीन वेचण लई बिजली विभाग तो NOC लैनी जरूरी होगी। जेकर किसी भी शख्स का बिजली बिल बकाया रहा तो वह अपने घर ज जमीन नहीं वेच सकेगा। एक पासे जिथे सूबा सरकार ने 1 जुलाई तो सूबे घर सूबे दे विच 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया, दूजे पासे यह भी वड्डा कदम चुकया गया है कि जेकर किसी घर से बिजली बिल बकाया है तो वह घर में वेच नहीं पाएंगे। NOC बिजली विभाग तो लैनी पवेगी। प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल को प्रकाश पुरब मौके लाल किले तो संबोधन करेंगे। मोदी 21 अप्रैल को लाल किले तो देशवासियों को संबोधन करेंगे। इस विचकार वह गुरु तेग बहादुर के 400 साल प्रकाश पुरब मौके संदेश देंगे। जानकारी केंद्रीय सभ्याचारक मंत्रालय ने दी है। बुलारे ने कहा है कि इस प्रोग्राम पर संबंधी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी वालों इस मौके यादगारी सिक्का ते डाक टिकट भी जारी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि इस पवित्र मौके उत्ते 400 रागी शब्द कीर्तन करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री विदेशों तो कई प्रमुख शख्सियतां हिस्सा लैणगियां। हुण ट्रैफिक नियमों की उलंघना करन वालियां सरकारी गड्डियां दे भी चलान होणगे। ADGP ट्रैफिक ने हुक्म दिते है, वड्डे हुक्म जारी किए हैं। पंजाब विच आप सरकार बनने मान सरकार एक्शन मोड दे विच है। मान सरकार वल्लों सूबे की स्थिति सुधारन लई वड्डे फैसले लए जा रहे हैं। ऐसे विचाले हुण ट्रैफिक नियमों नाल जुड़ी वड्डी खबर आ रही है। मिली जानकारी अनुसार हुण ट्रैफिक नियमों की उलंघना करन वालियां सरकारी गड्डियां दे भी चलान किए जाणगे। इस संबंधी वधीक डायरैक्टर जनरल पुलिस ट्रैफिक अमरदीप सिंह राय वालों सख्त हुक्म जारी किए गए हैं। जेकर कोई सरकारी गड्डी ट्रैफिक नियमों की उलंघना करती है तो तुरंत उन्होंने चलान किया जाएगा। शोअद मुस्लिम विंग के पंजाब प्रधान से लुधियाने के थाने हमला। भगवान राम का कार्टून किया अपलोड। लुधियाने फेसबुक से भगवान राम का कार्टून अपलोड करने के दोष थाना टिब्बा पुलिस वालों गिरफ्तार किए। श्रोमणी अकाली दल मुस्लिम विंग के पंजाब प्रधान से हमला होया है। उस खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मामला दर्ज किया गया। टिब्बा रोड से गुलाबी बाग कलोनी वासी फुरकान कुरेशी उर्फ बबलू कुरेशी खिलाफ भाजपा वर्करों वालों धरना प्रदर्शन भी किया गया। दस दिए कि फारकून कुरेशी तो पूछगिछ की जा रही है तो अदालत दे विच उन्होंने जिहड़ा पेश किया जाएगा। इस तरह की खबर लुधियाना तो प्राप्त हो रही है। लुधियाने के सांसद मैंबर बिट्टू ने नाराजगी जताई है केंद्र दीयां योजनावां नूं धरातल ते नहीं लिया रहे अधिकारी। इस तरह की उन्होंने खबर दिती है। लुधियाना तो सांसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने जिला वासियों नूं सरकारी स्कीम का वध तो वध लाहा लैण की अपील की। सांसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू जो कि जिला विकास तालमेल ते निगरान कमेटी के चेयरमैन भी हैं, स्थानक बचत भवन के विखे वख-वख सरकारी स्कीमों का जायजा लैण लई कमेटी की मीटिंग की प्रधानगी कर रहे सन। इस मौके उन्होंने कहा कि विधायकों के वलों वड्डे फैसले लए जा रहे हैं पर उन्होंने जिहड़ा है चंगे तरह जिहड़ा नेपरे नहीं चाड़िया जा रहा। सांसद मैंबर ने कहा कि सारे विभागों खास करके सिक्ख्या खेतीबाड़ी समाज भलाई सेहत नगर निगम
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। EPFO 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਿਟ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ EPFO ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਮਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿੱਧੂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SHO ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 15 ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭੜਕ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੱਸ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 720 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव तो हर वर्ग को मुफ्त बिजली की सहूलत दी गई है। बिजली मंत्री ने कहा कि जिन्हों खपतकारां की 300 यूनिट तो ज़्यादा बिजली की खपत होंगी है, मतलब कि वह बिल भी जोड़ा है भर सकते हैं। मान सरकार की कार्रवाई आई है, ITI प्रिंसीपल गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत के 50,000 रुपये रिश्वत मंगी सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर से आई वीडियो तो बाद विजिलेंस वालों बीते दिन मोहाली के फेज 5 विखे गिरफ़्तार किए गए ITI के प्रिंसीपल शमशेर सिंह मोहाली अदालत के पेश किया गया, जिसन अदालत वालों 14 दिन की न्यायिक हिरासत के भेज दिया गया। प्रिंसीपल नूं इंस्ट्रक्टर की नौकरी देने लई हरदीप सिंह नां दे व्यक्ति कोल 50,000 रुपये रिश्वत मंगण दे दोष विच गिरफ़्तार किया गया। हरदीप सिंह वालों रिश्वत मंगण वाली वीडियो मुख्यमंत्री भगवंत मान वाली आप सरकार वालों जारी किए मोबाइल नंबर से अपलोड की गई सी। सो ये सन अज्ज दियां मुख्य खबरां। उम्मीद है कि तुसीं वीडियो नूं लाइक शेयर चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले ताज़ा बुलेटिन के नाल, तद तक दे लई सत श्री अकाल।